सबसे पहले बात करते हैं 9 महीने से जारी फिक्र की, जो अब नतीजे की ओर जाती दिख रही है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज से एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह सोचकर सीमा पर पूरा तामझाम भेजा था कि वो भारत में अपने विस्तारवादी चाल को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज उनकी सेना को कैसे उल्टे पांव पीछे जाना पड़ा है, इसकी पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो चीन की पीएलए के वापस लौटने की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर चीन ने 50,000 जवान भेजे थे और उसके जवाब में भारत ने ही उतने जवान तैनात कर रखे थे, लेकिन अब भारत की सेना भी अपनी तैनाती कम कर रही है और चीन की सेना भी तंबू उखाड़ कर वापस लौट रही है। 9 महीने भले ही लग गए, लेकिन चीन को भारत ने उसकी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। एलएसी से लौटते चीन के टैंकों की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि अगर हौसला हो तो चीन जैसा घमंडी देश भी झुकने पर मजबूर हो सकता है। ये तस्वीरें इतिहास में याद रखी जाएंगी, क्योंकि जब कोरोना विलन चीन के खिलाफ पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही थी, तब हमने संकल्प लिया, हम कोरोना से भी लड़े, कोरोना के विलन से भी लड़े और बिना एक इंच गवाए जमीन को गवाए उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि चीन को भारत के इस प्रतिरोध की कतई उम्मीद नहीं थी, और जब भारत ने साफ कर दिया कि अब सीमा पर ठन चुकी है तो चीन को अपने पैर खींचने का बहाना नहीं मिल रहा था। आज देश के रक्षा मंत्री ने इस बड़ी फिक्र का पूरा ब्यौरा दिया, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के शौर्य और शक्ति की सबूत, जिसके आगे चीन को घुटने टेकने पड़े। ये पीछे हट रहे चीन के वो टैंक और सैनिक हैं जिनके दम पर उसने हिंदुस्तान की जमीन पर अपने विस्तारवादी दांत गड़ाने की गलतफहमी पाल रखी थी, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प, जबरदस्त कूटनीति और बेहद मुश्किल हालात में भी सीमा पर डटे जाबाज जवानों के अदम्य साहस और शौर्य ने चीन की गलतफहमी दूर कर दी। 9 महीने भले ही लग गए, लेकिन भारत सरकार ने दावा किया कि हमने चीन को 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया और उसको अपनी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दी। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत ही दोनों देशों ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाना शुरू कर दिया है, यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बेहद करीब और आमने सामने तैनात थी वो पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। अप्रैल 2020 से दोनों देशों ने पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। ये तभी शुरू होगी जब आगे बातचीत से कोई समझौता बनेगा। संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण परिस्थिति की भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिस एंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, 9 महीने से जो चीन सीनाजोरी दिखा रहा था, गिदड़ फपकियां दे रहा था, उसे भारत ने ऐसी शक्ति दिखाई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सीमा पर इतनी ताकत बढ़ाई कि चीन को हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के हिसाब से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए।
चीन के टैंक और सैनिकों के पीछे हटने की ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने चीन से जिस तरह दो टूक बात की है, डट कर खड़ा रहा है और खड़ा है, जिसका नतीजा है कि चीन ने अपने विस्तारवादी पांव वापस खींच लेने में ही भलाई समझी। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।